पब्लिक टीवी आपकी आवाज। केंद्र में बैठी भाजपा की तानाशाही सरकार को आखिर देश के अन्नदाताओं के आगे झुकना ही पड़ा। नरेंद्र मोदी का घमंड और अहंकार खुलेआम चकनाचूर हुआ, देश में किसानों की जीत हुई। नरेंद्र मोदी पिछले एक साल में किसानों के दिल की बात समझ नहीं पाए। बड़े ताज्जुब की बात है कि आज एक साल बाद किसानों की 600 से ज्यादा शहादतों, ठंड, बारिश, धूप, गर्मी के बाद भी समझ नहीं पाए, तो इसका मतलब उनकी समझ में भारी कमी है। इतना समय लग गया नरेंद्र मोदी को ये समझने में कि ये काले कानून है ना कि कृषि कानून। इसका मतलब देश में भुखमरी, भ्रष्टाचार, गरीबी को तो शायद समझ ही नहीं पाएंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के घमंडी शासक को करारा जवाब देगी, क्योंकि अब तक देश का किसान खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, आंदोलनजीवी थे, अब अचानक से किसान हो गए। भाजपा का दोगलापन, नकारापन को अब ठिकाने लगाने का समय आ गया है। ये बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन चौधरी ने कही है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी जी ने आज जो घोषणा की है उससे साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी की समझ बहुत कम है। एक साल लगा उन्हें किसानों को समझाने में और खुद को ये बात समझाने में कि ये तीनों जो कृषि कानून बिल थे ये बहुत ही काले थे, इसमें सफेद कुछ नहीं था, और आज ये भारतीय जनता पार्टी की हार है, किसानों की जीत है। ये तीनों कृषि कानून अभी वापस नहीं हुए हैं, तब वापस होंगे, संसद खुलने के बाद होंगे। अभी MSP बाकी है, अभी ट्रैक्टर का मुद्दा है, अभी बहुत सारे किसानों के मुद्दे हैं, उन सब पे भी बात होनी बाकी है। तो आंदोलन क्या जारी रहेगा या खत्म कर देंगे? आंदोलन जारी रहेगा, इनको गुजरात विदाई तक आंदोलन जारी रखेंगे, उसके बाद आंदोलन समाप्त होगा। जब ये लोग गुजरात चले आएंगे दोनों रंगा बिरला, उसके बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। 700 खून इन लोगों ने किए हैं, उन 700 खूनों की सजा जब तक इन लोगों को नहीं मिल जाती। किन लोगों ने? नरेंद्र मोदी सरकार ने 700 लोगों की जान ली है, जो किसान हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को भी न्याय नहीं मिला है। आप 700 लोगों को मारकर सॉरी बोल दीजिए, ये नहीं चलेगा। मोदी साहब, ये पाकिस्तान नहीं है और आप इमरान खान नहीं हैं, आप नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पर हिटलर साहिब नहीं चलेगी। 22 के चुनावों की वजह से आपने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये चुनाव आप नहीं जीतेंगे। आपके जो हाथ हैं वो खूनों से रंगे हुए हैं, 700 निर्दोष किसानों के खूनों से आप गांवों में नहीं जा सकते। आप प्रभारी अमित शाह को बनाएं, आप प्रभारी नरेंद्र तोमर को बनाएं, आप किसी को भी प्रभारी बनाएं, आप गांवों में जाने की स्थिति में नहीं है मोदी साहब। तो कृषि कानून तो वापस हो ही गए, एक बड़ी जीत तो है किसानों की? किसानों की जीत है, लेकिन इससे आत्ममुग्ध होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इनका प्री प्लान है। एक साल लगा जिस देश के प्रधानमंत्री को ये समझने में कि ये कानून वापस लेने चाहिए, और किसानों को समझ में नहीं आ रहा। अगर ये अच्छे थे तो वापस क्यों, और अगर अच्छे नहीं थे तो लाए क्यों? ये मुसलमानों का कानून नहीं है मोदी साहब, ये किसानों और सब लोगों का कानून था, ये तो वापस होना ही था। राहुल गांधी जी ने एक साल पहले कह दिया था कि वापस लेना पड़ेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।